पैसे वैसे तो आदमी जाने वाली चीज है, हाथ का मैल है, ठीक है, हाथ का मैल तो नहीं लेकिन कमाना पड़ता है। अभी ना क्या था ना, जो हर कोई चाहता है क्या, वी शेप बैग, वी शेप बैग, कोबरा बैग। हाँ चले भाई, रेडी है? हाँ। पक्का? राम राम जी। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो अभी मैं विपिन देसी फिटनेस की मेन ब्रांच में, और अगेन आज मेरे साथ कौन है, मयंक। चल शाबाश, खींच के। तो आप लोगों की कंटिन्यूस रिक्वेस्ट के बाद, कंटिन्यूस कमेंट के बाद, आज का जो वीडियो है वो काफी अलग होने वाला है। तो आज की वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेनली दो चीजों को। पहली चीज हमारी होगी वार्म अप, ठीक है, वार्म अप हमारा होगा थोड़ा नेक्स्ट लेवल। और दूसरी चीज होगी जो हर कोई चाहता है क्या, वी शेप बैग, वी शेप बैग, कोबरा बैग। हाँ ठीक है, क्योंकि मयंक की एज के काफी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हमारी वी शेप बैग हो, और यहाँ पे भी काफी आते हैं, मैं देखता हूँ, तो सभी का बैग के ऊपर ही फोकस रहता है। ठीक है जी, तो उसी से चलने का पोस्टर होता है कि वो ये है ना, ये वाला। हाँ, जैसे मैं थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि मैं जब छोटा था ना तो मैं ऐसे चलता था, ऐसे बिल्कुल टाइट करके, टी शर्ट कुछ नहीं था बॉडी के अंदर, कुछ भी नहीं था, सही बता रहा हूँ मैं, लेकिन चलता ऐसे था। ठीक है, कईयों ने मुझे टोक भी लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एज ऐसी होती है, इसके अंदर सभी का होता है, चाव होता है कि हाँ भाई हम भी चले, हमारी बॉडी अच्छी हो, लेकिन मेरे अंदर कुछ नहीं था उस टाइम पे। चलो जी, तो उसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों को कुछ वर्कआउट बताने जा रहा हूँ, जो आपका वार्म अप का भी रहेगा और साथ ही साथ रहेगा आपकी वी शेप बैक का। तो आज है मेरे साथ मयंक और मैं हूँ विपिन। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हमारा पहला वर्कआउट रहेगा, जो रहेगा हमारा चिन अप्स और पुल अप्स। ठीक है, तो ये हम लगाएंगे, आपको लगा के बताएंगे कि क्या इसकी पोजीशन होगी। और मयंक, तेरा इस एक्सरसाइज के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है? काफी भाई ये सोचते हैं कि जिम के अंदर आते डंबल लगाता है पहले। नहीं भाई, जिम के अंदर मैंने पहले भी बताया और अब दोबारा बता रहा हूँ, मैं जिम के आते ही जिम के अंदर कभी नहीं जाता हूँ, पहले यहाँ पे हमारा कार्डियो वगैरह होता है, वार्म अप करते हैं अच्छे से, उसके बाद मात्र 10 से 15 मिनट हम अंदर जाते हैं, ज्यादा वर्क नहीं होता डंबल्स के साथ, मशीनों के साथ। जो तो ये तो रोज करता है या फिर विशेष बैक के दौरान ही करता है ये जो वर्कआउट आज हम बताने जा रहे हैं? हम डेली करते हैं, डेली होता है ना। हाँ, एक बार चल फ्लेक्स करके दिखा दे एक बार बैक का, जल्दी फटाफट दिखा। चल हाँ, कोई मार फ्री पोज, ये खींच के चल शाबाश। तो आज हमने अपनी बैक को ट्रेन किया है, तो आज हमारी बैक अच्छी निकल के आ रही है, तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो भी बना दी जाए, ताकि आप लोगों को भी एक अच्छा मोटिवेशन मिले विशेष बैक के लिए। ठीक है जी, तो पहला वर्कआउट रहेगा हमारा चिन अप्स और पुल अप्स, जो अभी मयंक आपको लगा के बता रहा है क्या इसकी पोजीशन रहेगी, क्या रेपिटेशन आपको लगाने हैं, वो भी हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। चल भाई मयंक शुरू कर दे फटाफट। हाँ बता बता, जल्दी बता फटाफट। रेपिटेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं 10 से 10 to 12 से स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होती जाए आप इंक्रीज कर सकते हैं। चल भाई सब फटाफट, काफी भाई ये बोलते तुम बातें बातें करते हो, है ना, बातें ज्यादा करते हो, वर्कआउट कम करते हो, चलो फटाफट लगा देते। चल 1 2 नीचे आ, नीचे आ, 3 4 5 6। तो यहाँ पे एक्सरसाइज देख सकते हैं, जो भाई ये बोल रहे थे कि मयंक ने हाफ लगाई थी, तो आज ये फुल लगा रहा है यहाँ पे, जो चैलेंज में हाफ लगाई थी इसने। चल शाबाश, खींच के। कितने हो गए? 12 13 14 15। और ध्यान रहे इसके अंदर आपकी ग्रिप ना ही ज्यादा वाइड हो ना ही ज्यादा क्लोज हो, आप लोग देख सकते हैं हमारी पूरी बैक इसमें कितनी अच्छी ट्रेन हो रही है। कितने हो गए? 20 20। चल शाबाश, आजा और बढ़िया। लास्ट में आप ऊपर होल्ड भी कर सकते हैं। हाँ, होल्ड कर सकते हैं जब आपकी स्ट्रेंथ एडवांस हो जाए, तो जैसे आप एडवांस हो जाए। ठीक है, शुरुआत में ना करें होल्ड, नहीं तो आपके शोल्डर में इंजरीज के चांसेस हो सकते हैं। शुरुआत में पहले अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप कर लें, उसके बाद आप होल्ड करके जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप लोग कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा पहला वर्कआउट, चिन अप्स या पुल अप्स आप लोग कर सकते हैं अपने वीशेप बैक के लिए और अपने वार्म अप के लिए। ठीक है जी, अभी करेंगे हम अपना दूसरा वर्कआउट, जो रहेगा हमारा सपाटे। तो सपाटे लगाएंगे यहाँ पे हम, उस सपाटे हमारे किसके साथ रहेंगे? जंपिंग के साथ। जंपिंग के साथ, ठीक है जी, जिसके अंदर हमारी फोरआर्म्स, हमारी ट्राइसेप्स, हमारी चेस्ट, हमारी बैक और हमारी हैमस्ट्रिंग काफी अच्छी इसके अंदर ट्रेन होने वाली है। तो हमारी फुल बॉडी ट्रेन हो जाएगी, फुल बॉडी ट्रेन हो जाएगी, काफी अच्छा वर्कआउट है, आप लोग भी जरूर करें। और मेनली स्ट्रेंथ पे जो हम काम करते हैं उसके लिए तो सारा वर्कआउट बेस्ट है। चल भाई शुरू कर दे। हाँ, फेस ही सेट कर लेंगे तो अगली बार। हाँ चल चल, इसको आता फटाफट, चल कर दे, शुरू कर दे। तो रेपिटेशन जो हम लगाते हैं हर एक्सरसाइज का लगाते हैं 20, अभी हम एडवांस पे हैं तो 20, बाकी जो बिगनर्स हैं शुरुआत करें 10 से 10 12 14 16 18 20 20 तक आप लोग लेकर जा सकते हैं। चल बेटे गुड, बढ़िया। और इस एक्सरसाइज में आप लोगों का ध्यान रहे आपकी लोअर बैक होल्ड होनी चाहिए। ठीक है जी, लोअर बैक में इंजरीज के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और सबसे बड़ी इंजरी है, अगर हो गई तो बेड रेस्ट आपको करना पड़ सकता है, तो इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखें। चल बेटे गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चल शाबाश। कितने हो गए? 40। चल 15, चल 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 16, चल भाई चल फ्लेक्स कर जल्दी फटाफट। नहीं
चल सर कितने हो गए? 19 वन मोर चल शाबाश 20 बढ़िया। तो अभी आप देख रहे हैं ना तो कोई इतनी सांस जो हाँपने वाली आदत होती है ना वो बिगनर्स को काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अभी हमने काफ़ी देर वर्कआउट कर लिया है और मयंक ने भी इससे पहले भी वर्कआउट किया है तो आप देख सकते हैं उतनी ज़्यादा ना तो सांस की जो प्रॉब्लम होती है ना वो भी अब यहाँ पे नहीं हो रही क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी यहाँ पे बिल्डअप हो चुकी है। तो यहाँ पे काम हो रहा है मेनली स्ट्रेंथ के ऊपर, बाहर दिखावे वाली बॉडी के ऊपर नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो ये तो हो गए हमारे दो वर्कआउट। पहला था हमारा पुलअप सुरचिना, ठीक है, और दूसरा सपाटे, और तीसरा भी हमारा क्या रहेगा? टायर एंड हैमर, टायर विद हैमर। ठीक है, ये हम वर्कआउट शुरू कर रहे हैं और इस वर्कआउट में हम बताएंगे मेनली क्या आप लोग गलती करते हैं और क्या आप लोगों को गलती नहीं करनी चाहिए, क्या इसकी परफेक्ट पोजीशन रहेगी। चलिए आइए शुरू करते हैं और लेके चलते हैं आपको तीसरे वर्कआउट में। और याद रहे अभी हम जिम के अंदर नहीं गए हैं, जिम के बाहर ही हमारा कार्डियो वर्क यहाँ पे हो रहा है। हमने किसी डंबल को यूज़ नहीं किया है, किसी भी रोड को यूज़ नहीं किया, किसी बारबल को यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे जो वर्कआउट हो रहा है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ कार्डियो वर्कआउट हो रहा है। ठीक है, जिम के अंदर अभी हम नहीं गए हैं। चल भाई, एक भाई हाँ जैसे मैं आया था क्लोज आदा भाई, क्लोज आदा। जैसे मैं नया आया था तो मैंने एक गलती की, मैं इसको ऐसे पकड़ता था ऊपर से। हाँ। तो आप लोग ऐसे ना करें, थोड़ा गैप रखें। मेरी वजह से बहुत बार मैंने उंगलियां छिला ली थी यहाँ से। ठीक है, उंगलियों में इंजरीज के चांसेस हो सकते हैं। हाँ जी ठीक है। और इसमें एक चीज हो रहा है, अगर आप ज्यादा आगे से पकड़ेंगे ना तो ये यहाँ पेट में भी लग सकती है, ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे लगेगी। तो इसको थोड़ा पीछे से पकड़ेंगे तो थोड़ा गैप रहेगा और आपको लगाने में भी आसानी रहेगी। चल भाई शुरू करते। अब मयंक लगा रहा है, ठीक है, पोस्चर देखिए आप लोग, लोअर बैक होल्ड है इसके अंदर। ठीक है, लोअर बैक में काफी ज्यादा इंजरी होती है इस वर्कआउट के दौरान। चल भाई चल शाबाश। और एक चीज और ध्यान रहे, एक बार आपको लगानी है लेफ्ट और दूसरी बार लगानी है आपको राइट, ताकि आपकी जो बैक है उसकी दोनों साइड आपकी ट्रेन हो। चल बेटे गुड। रेपिटेशन वही आपको 20 लगाने हैं, वन साइड 10 दूसरी साइड 10 लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, 20 हो जाएंगे, ये भी आपकी बैक के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। चल 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 गुड, बढ़िया लगे ओके। चलो शाबाश, फ्लैक्स कर दे बैक फ्रंट से, अब की बार फ्रंट से, पिछली बार बैक से थी ना। हाँ। अब की बार फ्रंट से, चल खींच के। अब की बार हमने वीडियो काफ़ी फास्ट किया है, मैंने भी जो मेरी वॉइस है उसको काफ़ी फास्ट लेके चलाऊँ मैं भी, आवाज़ से पता लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है चल भाई चल खींच के स्माइल के साथ। हाँ बढ़िया, हाँ ये मार देनी तो। चल चल खींच, एप्स खींच के, एप्स खींच के, बहुत अच्छे। एक दो पोज और लगा फटाफट फटाफट, मैन फिजिक का लगा ले। चल ये गुड, हाथ लगा, हाथ लगा यहाँ पे कमर पे, थोड़ी इसको स्माइल रख सामने, ये बढ़िया। तो पोजिंग हम आप लोगों को इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को पता लगे कि हमारी मसल्स कैसे अच्छी निकल के आती है। काफ़ी भाई करते हैं, बॉडी तो बना लेते हैं लेकिन पोजिंग करनी नहीं आती है। पोजिंग करनी नहीं आती तो आप मसल्स को दिखा नहीं सकते। ठीक है, मसल्स आपकी अट्रैक्टिव तभी निकल के आएगी जब आप लोग क्या करेंगे, अपनी पोजिंग करेंगे, अपनी मसल्स को फ्लेक्स करेंगे। ठीक है, हो गया भाई। चलो ठीक है, डाइट वाइट बढ़िया रखिए, पैर वैर का भरना ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, फिर से बात बनेगी नहीं। ठीक है चलो ओके। तो जी ये तो थे हमारे तीन वर्कआउट और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन तीनों वर्कआउट से काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाने वाले हैं। तो तीन वर्कआउट हमारे थे, पहला था हमारा चिनअप्स एंड पुलअप्स, दूसरा वर्कआउट था हमारे सपाटे और तीसरा वर्कआउट था हमारा हैमर विद टायर। तो तीनों वर्कआउट हमने यहाँ पे किए हैं भाई। जैसा कि अभी नीचे कमेंट आने वाली है बहुत सारी की भाई आप ये सेम ही वर्कआउट बताते, तो भाई हम आप लोगों को पागल नहीं बना रहे, यही वर्कआउट हम करते हैं और आपको बता रहे हैं। ठीक है, डेली हम यही करते हैं, ये नहीं कि आज आपको कुछ और बता दिया कल फिर आपको कुछ और बता दिया। आज हम आपको बता दें कि रस्से पे उल्टा जाके चढ़ना है, ऊपर से हाथ छोड़ दो है ना क्या होगा, इंजरी हो जाएगी। ठीक है, तो हवा बातें नहीं करनी, जो फैक्ट है, जो चीजें फैक्ट है उस पर हम काम कर रहे हैं, उसको आप लोग करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। ठीक है, कल को आप गालियां भी नहीं देंगे। ठीक है जी, चलो तो ये तो थे हमारे तीन वर्कआउट और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है भाई का है विपिन यादव ऑफिशियल और मेरा है मयंक यादव 001। और हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उसको भी आप लोग जाएं और जरूर चेक करें, काफी अच्छा सपोर्ट आप लोगों का वहाँ पे मिल रहा है, अंडर 18 फिटनेस। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग फटाफट जाएं। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, हमारे 8K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है जी, और कितने 8 लाख अभी होने वाले हमारे, है ना, दूसरे वाले चैनल पे। तो दोनों जगह आप लोगों ने काफी प्यार दिया, तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। चल बेटे स्माइल के साथ, 8K हो गया अब तो स्माइल रख ले, और चैनल भी लड़के का मोनेटाइज हो गया जैसे मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में। तो क्या कमाएगा अब? डॉलर कमाएगा यार। चलो कमाई बाद में, मेन चीज है कि आप लोगों तक सही नॉलेज पहुंचाना। ठीक है जी, पहले क्यों नहीं बताया, अभी मैं मस्त नाके आया है ना। ठीक है जी, तो मेहनत करनी पड़ती है तब जाके सारी चीजें होती है, तो मेहनत करो, तरक्की करो। थैंक यू।